सर हिंदी पंजाबी सब आती है, आप बोलिए। अरे बोलिए, ये शेर शेर नहीं है पत्रकार, थानू खिताब शेर नहीं चाहिए, क्योंकि जेड़ा मीडिया ना ये कोई चंगा रोल नहीं प्ले कर रहा। बट जेड़े नौजवान मुंडे कुड़ियां जिन्होंने आप मीडिया बनाया, जिन्होंने अपने चैनल है, वो कमाल कर रहे हैं। उदो भी रात खेत च सौने तो साढ़े भा का खेत ही है, हौली हौली असी जी बंजर जमीन है वाह के इतने बूटे ला लेने इतने। स्वागत है आपका मूव मीडिया में और आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह। इस समय आज किसान आंदोलन को जो आज पूरे 8 महीने पूरे हुए हैं, वहीं पर आज पंजाबी सिंह बब्बू मान यहां पे मौजूद हैं और वो यहां पे आप देख सकते पूरी भीड़ देख रहे हैं, वो यहीं पर अंदर गए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में जब वो बाहर निकलेंगे हम उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर किसान आंदोलन में जिसके 8 महीने पूरे हैं उनको क्या लगता है, जहाँ पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है और किसान इतने समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार, और अब जंतर मंतर के सामने भी उन्होंने अपनी सांसद लगा दी है, वहाँ पर जिस तरह आज महिलाएं पहुँची हैं और यहाँ पे बब्बू मान यहाँ पे हैं, शायद यहीं पर आज फिर से किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये मौजूद हुए हैं। सर आपसे पूछना चाहती हूँ, आज जब यहाँ पहुँचे हैं आपको क्या लगता है कि सरकार किसानों के साथ कितना देने वाली है? हिंदी में बोले बोले हम। अरे सर हिंदी पंजाबी सब आती है, आप बोलिए। अरे बोलिए, ये शेर शेर नहीं है पत्रकार, थानू खिताब शेर नहीं चाहिए, क्योंकि जेड़ा मीडिया ना ये कोई चंगा रोल नहीं प्ले कर रहा। बट जेड़े नौजवान मुंडे कुड़ियां जिन्होंने आप मीडिया बनाया, जिन्होंने अपने चैनल है, वो कमाल कर रहा है। थैंक यू सर। कब मैं परसों भी कितने पंजाब च बैठा सी तो उत्थे एक प्रेस रिपोर्टर मिले से, मैं ना भुल रहा 40 साल जॉब करी उन्होंने, 40 साल बाद कहने मेरी अंदर दी आत्मा ने कहा भी नहीं गुलामी नहीं करनी, सच्ची खबर लानी, और नौकरी छड़ती। अच्छा, थोड़ा भी ना इतिहास च आना है। थैंक यू सर। तो ये बताइए, लेकिन मैं ये मेरा सवाल का जवाब नहीं आया, किसानों का कितना आपके आने से किसानों में जोश आएगा? देखो पंजाबी जी की कहावत है कि असी तो सौने ही है, जीरी लाने असी पिंडा जो धान लाने उदो भी रातों खेत च सौने तो साढ़े भा का खेत ही है, हौली हौली असी जी बंजर जमीन है वाह के इतने बूटे ला लेने इतने भी पिंड बना लेना, चिंता ना करो। यहाँ पर किसान सदा ही रहता। बिल्कुल सही बात है, सरकार आती जाती है लेकिन किसान हमेशा रहेगा, कि जो खिलाता है वही अन्नदाता है और यहीं पर उनके लिए जो ये जंग है ये पूरी जारी रहेगी। वहीं पर हम आपसे भी बात करेंगे सर कि किसानों को लेकर आपको क्या लग रहा है, सरकार कितना साथ देने वाली है? नहीं, सरकार साथ देगी अभी नहीं सुन रही है, वो अलग बात है, किसान सरकार ऊँचा सुनती है, धीरे धीरे सुन रही है, अभी हमारी जंतर मंतर पर संसद भी चल रही है तो धीरे धीरे सरकार सुनेगी। अभी हमारे किसान भी कल भी देखा होगा आपने, बिजनौर मेरठ से ट्रैक्टर यात्रा लेकर आए हैं, काफ़ी हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आए, करीबन 15-20 हज़ार किसान आए हैं, तो धीरे धीरे सरकार सुनेगी, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सुनेगी, सुनेगी सरकार सुनेगी। वहीं पर महिलाएं को भी अब आगे आ गई हैं महिलाएं भी जी। और उसको लेकर आपको लगे कि महिलाओं के आने से और शक्ति बढ़ेगी किसानों की? देख रहे हो कि हमारी पहले से भी अभी महिलाओं की काफ़ी संख्या यहाँ पर बढ़ी है, महिलाओं के लिए हमने अच्छी व्यवस्था की है, यहाँ पर रुकने की टॉयलेट की काफ़ी अच्छी सुविधाएँ की हैं जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो, तो महिलाओं की भी काफ़ी भागीदारी हमारे आंदोलन में शुरू से रही है और अभी भी रहेगी। बीच में कोरोना टाइम में थोड़ा सा भी संख्या कम हुई थी, अब धीरे धीरे महिलाएं भी और हमारे किसान भी आ रहे हैं। तो सर अभी आगे की क्या रणनीति कुछ सोचा है सरकार? आपने कहा है कि हम अगस्त तक बैठने वाली, सरकार को कुछ रणनीति आपने कुछ सोची है? नहीं, रणनीति तो अभी देखिए हमारी संसद वहाँ पे चल रही है जंतर मंतर पर, हमारी यही रणनीति है कि धीरे धीरे अभी संसद जैसे चल रही है तो किसान अभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अभी देख रहे हैं काफी कितनी संख्या में किसान बिजनौर से और मेरठ से कल आए हैं और काफी लोग कुछ आ रहे हैं, अभी हमारी अमरोहा से मुरादाबाद से भी अभी रैली ट्रैक्टर रैली आ रही है, तो धीरे धीरे सुनेगी सरकार, सरकार गूंगी बहरी है, सुनेगी कहाँ जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.